हाय गाइस, चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैंने ये प्रोजेक्ट उठाया है कि मैं 90 दिन के अक्रॉस ऐसे तैयारी करूँगा जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब के लिए स्क्रैच से तैयारी कर रहा हूँ, और उससे जो कंटेंट प्रोड्यूस होगा वो मैं डालता रहूँगा, तो आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो उसका मैंने प्लान बना लिया है। मैं बात कर रहा था ये 2 4 दिन से, और मोमेंटम जनरेट कर रहा था, तो लीड कोड का मोमेंटम मुझे फील हुआ कि हाँ, सवाल बनने लगे हैं, करने का मन करता है, तो मैंने वो प्लान बना लिया है। तो लेट मी टेक यू थ्रू द प्लान। अच्छा, तो ये कब स्टार्ट हो रहा है? ये कल से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज स्टार्टिंग टुमारो, December 7। कब ख़त्म होगा? March 31, 2024 को मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, अब ये तो 90 दिन से ज़्यादा हुए, तो ये कितने हुए? 90 और 23 दिन एक्स्ट्रा हो गए, आई काइंड ऑफ। तो वो मतलब ऐसा है कि 23 दिन हो गए, तो संडेज ही मान लो, कितने संडेज? संडेज तो नहीं, संडे सैटरडे दोनों मान लो, मतलब 4 महीने हो गए ना। ये 4 महीने में 16 संडे सैटरडे आएंगे, 16 वीकेंड्स आएंगे, तो बस ठीक है। मतलब कभी सैटरडे को काम के लिए कभी नहीं किया, तो 6 डेज 7 डेज, मतलब ऐसा स्ट्रेसफुल प्लान बनाने से ना फिर वो हो नहीं पाता। तो मैं उसको बस ऐसा ही लेके चल रहा हूँ कि 6 डेज अ वीक, 6 डेज अ वीक, और 6 डेज अ वीक ही मानते हैं, और बाकी 7 8 दिन तो 90 दिन की तैयारी करो, आप 7 8 दिन तो आप बीमार हो जाते हो, दैट इज़ ओके। सो March 31 को मैं इसे ख़त्म मानूंगा, March 31 तक के लिए। अब मैंने क्या ऐसा सोचा है कि क्या करूँगा, और ना बड़ा लाइट रख रहा हूँ प्लान को अपने लिए, बहुत लाइट लाइट इसलिए ताकि हो। तो वो ये जो सोचा था मैंने, क्या क्या होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब के लिए, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, उस तरह से सोचा। DSA, डेव, कोर, LLD और HLD, उनके रिसोर्सेज भी बताऊँगा, क्या रिसोर्स फॉलो करूँगा, और प्रोग्रेस आपसे शेयर करता रहूँगा, आप साथ साथ चलते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले ना, इसको ये 5 चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, उसको मैं कम करता हूँ। तो मैंने देखा यार, कोर के अंदर मुझे करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स और सीक्वल, और LLD के लिए क्या चाहिए होता है? सॉलिड प्रिंसिपल्स, डिज़ाइन पैटर्न्स और केस स्टडीज़। और केस स्टडीज़ में भी 2 चीज़ें होती हैं, मेजरली क्लास डायग्राम और स्कीमा डिज़ाइन, स्कीमा डिज़ाइन। तो अगर मैं देखूँ क्लास डायग्राम, तो भैया ऊप्स की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, स्कीमा डिज़ाइन तो सीक्वल से भी जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको अलग अलग नहीं मानता, मैं कोर और LLD को सेम समझूंगा। तो मैं कोर और LLD को अलग नहीं लिखूँ, साथ लिख दूंगा, साथ ही करूंगा उसको, कोर प्लस LLD। उसमें फर्दर मैं समझूंगा कि कुछ टॉपिक्स हैं अपने पास। ठीक है, HLD में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ केस स्टडीज़ हैं, केस स्टडीज़ हैं। ऑलराइट, तो बात करते हैं एक एक के पे, बात करते हैं कि कैसे मैं इसको साथ साथ चलाऊंगा। तो DSA रोज़ करूंगा, DSA इस तरह से बना लूँ कि मोमेंटम बिल्डर है, सबसे आसानी से ये हो जाता है, तो DSA सबसे पहले करूँगा। और फिर दूसरे नंबर पे, मतलब सेम डे में DSA भी करूँगा, और फिर एक ही चीज़ और करूँगा, या तो डेव या तो LLD प्लस कोर, उसको मैं एक ही कह रहा हूँ, LLD प्लस कोर, या तो HLD। ठीक है, और ऐसा मानो कि मेजरली DSA और डेव ही करेंगे, 90% ऑफ द टाइम्स DSA और डेव ही करेंगे। किसी दिन लगा कि यार बहुत दिन हो गए DSA डेव करते हुए, तो हम LLD कोर और HLD को थोड़ा सा मौका देंगे। तो मेजरली DSA और डेव चलाऊंगा, कभी 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 वंस इन अ वाइल, कि प्रोजेक्ट जैसे डेव का एक प्रोजेक्ट अचीव हुआ है, अगला प्रोजेक्ट उठाने से पहले, तो उस दिन डेव DSA भी रोक दिया, तो LLD प्लस कोर का, LLD प्लस कोर में से सीक्वल निपटा ली, या HLD के अंदर से कुछ कर लिया। ठीक है, जैसे दोबारा से बोलता हूँ, DSA डेव कुछ दिनों से करते हुए आ रहे हैं, लेट से आज डेव का एक प्रोजेक्ट फिनिश हो गया, प्रोजेक्ट फिनिश हो गया, बस बढ़िया है, आज प्रोजेक्ट फिनिश हुआ मस्त, तो आज रुक कर LLD और कोर कर लेंगे 2 4 दिन, LLD कोर में से सीक्वल निपटा लिया, या ऑपरेटिंग सिस्टम निपटा लिया, या ऊप्स निपटा लिया। ठीक है, उस तरह से नोट्स वोट्स बनाऊंगा, कोड में गिटहब पे डालता रहूंगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो तैयारी करते हैं इसको। अच्छा, DSA के अंदर क्या क्वेश्चन सोचे मैंने, खुद पर बहुत लाइट रहना चाहता हूँ। इंक्रीमेंटल टारगेट्स, इंक्रीमेंटल टारगेट्स मतलब क्या मायने हैं इसके, इंक्रीमेंटल टारगेट्स के, कि भाई ये मैं इसे स्टडी प्लान वाले पेज पे गया, भाई मैं लीड कोड 75 से स्टार्ट करूँगा, ऑफ कोर्स 90 दिन है, इसे ज़्यादा हो जाना चाहिए, रोज़ का एक क्वेश्चन थोड़े करेंगे हम। ठीक है, पर मैं इसको इंक्रीमेंटल बोलूँगा, लीड कोड 75 से स्टार्ट करूँगा, हो जाएगा तो आगे ही देखेंगे, हो जाएगा तो फिर ये टॉप इंटरव्यू का 50 150 उठाऊंगा, ये हो जाएगा तो ये दूसरे वाला भी हो गया, तो फिर ये टॉपिक वाइज थोड़ी बाद में देखता हूँ। फिर ये दोनों अगर हो गए तो फिर ये टॉप 100 लाइक्ड और प्रीमियम एल्गो, टॉप लाइक्ड 100, और इसमें ना मोस्ट लाइकली यूनियन करूँगा तो सवाल कम बनेंगे,
प्रीमियम एल्गो 100 इस तरह से चलूंगा। और फिर ये भी हो गए तो फिर ये स्प्रिंट इंटरव्यूज को छोड़ के नीचे जाऊंगा। ये पैटर्न्स वाला सही है, असेंशियल ग्राफ कर लो, असेंशियल बाइनरी सर्च कर लो, असेंशियल डीपी कर लो, डीपी ग्रैंड मास्टर कर लो। फिर इनके बाद इस यूनियन को करने के बाद मोस्ट लाइकली ये यूनियन 300 सवाल को रिप्रेजेंट नहीं करती होगी, ठीक है। तो फिर ये जो नीचे टॉपिक वाइज दे रखे हैं, डीपी, डीपी ग्रैंड मास्टर, ग्राफ थ्योरी और बाइनरी रिसर्च, फिर ये। और अगर ये भी निमट गए, मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो फिर ये स्प्रिंट इंटरव्यूज़ में चला जाऊँगा, स्प्रिंट इंटरव्यूज़, ठीक है। तो ऐसे मैं लिस्ट बनाऊँगा। और इंक्रीमेंटल है, मतलब इंक्रीमेंटल मतलब आई वुड बी हैप्पी अगर मैंने लीड कोड 75 भी कर लिया तो। फिर देखते हैं, मतलब खुद पर बहुत बड़ा बर्डन बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा काम कि इतना तो हो ही जाएगा, लीड कोड 75 तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर हो गया तो देखेंगे इधर बढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट वैसे मैं एक प्रोजेक्ट में अभी सोचा है, पहला प्रोजेक्ट में क्या करूँगा, डेटा का प्रोजेक्ट है, डेटा का प्रोजेक्ट रहेगा वो, तो ड्रीम एंड बिल्ड पे मैं उसको पहला प्रोजेक्ट ही सोचा हूँ। मैं अभी एक पिछला एक्सटेंशन चल रहा था उसको रोक कर, क्या प्रोजेक्ट सोचा है मैंने कि भैया मैं ऐसा इसको क्रॉल करने की कोशिश करूँगा, पपेटियर लाइब्रेरी को यूज़ करके मैं इसको क्रॉल करने की कोशिश करूँगा, लीड कोड 75, इसको 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 स्प्रिंट इंटरव्यूज़ वाले ये सारे जो अमेजन स्प्रिंग, गूगल स्प्रिंग, टिकटॉक स्प्रिंग और एप्पल स्प्रिंग दिख रहा है, इन सबको क्रॉल करके इनका यूनियन बनाने की कोशिश करूँगा क्वेश्चनों का। मतलब एक लिखूँगा, स्क्रिप्ट लिखूँगा, वो स्क्रिप्ट इसको खोलेगी, क्वेश्चनों को कॉपी कर लेगी, क्वेश्चनों की लिंक्स कॉपी कर लेगी, इसको खोलेगी क्वेश्चनों की लिंक कॉपी कर लेगी, इसको खोलेगी क्वेश्चन की लिंक कॉपी कर लेगी, सबका मुझको ग्रुप करके दे देगी, सब मतलब सबको यूनियन करके दे देगी कि ये आपके सेट है, तो मुझे बता दीजिए कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर उसी के अंदर मतलब पहला स्टेप क्रॉल, फिर यूनियन कर लिया सवालों का, तो मेरे को एक लिस्ट मिल गई, ठीक है। तो ये पता लग जाएगा कि टोटल कितने हैं सवाल, मतलब अगर मैं ये सब करना चाहूँ तो, ये सब करना चाहूँ तो, ठीक है। और फिर मैं उसको क्वेश्चनों के टैग से भी ग्रुप करने की कोशिश करूँगा, क्वेश्चनों के टैग से ग्रुप, जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इन्होंने क्वेश्चनों के ग्रुप से टैग कर रखा है, लीड कोड 75 में कर रखा है जैसे टैग, तो ये कर रखा है ना एरे स्ट्रिंग, तो क्वेश्चन के अंदर वो टैग रहता है एरे स्ट्रिंग वगैरह वाला, तो वो वाला ये पढ़ के जहाँ भी रहता है वो, कहाँ रहता है मुझे पता नहीं, कहीं तो रहता है, कंपनीज लिख रखा है तो कहीं रहता है, टॉपिक रिलेटेड टॉपिक्स में रहता है क्या, हाँ टू पॉइंट स्ट्रिंग। तो इस वाले टैग को पढ़ के, हर क्वेश्चन के इस वाले टैग को पढ़ के मैं उसको ग्रुप भी कर दूंगा, मतलब अपने लिए कि कौन सा किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये एक डेव का प्रोजेक्ट कर सकते हैं, करने की इच्छा भी रहेगी, तो ग्रुप इन कैटेगरीज। ऑल राइट, तो डीएसए का प्लान हो गया है शेयर, आई थिंक आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, डीएसए का प्लान हो गया है शेयर, ठीक है। अब डेव के लिए वही फिलॉसफी, डेव के लिए मैं वो ड्रीम एंड बिल्ड वाली फिलॉसफी पे आज भी चिपका हूँ, जिसका मतलब क्या है, इंक 42 पढ़ो, इंक 42 पढ़ो, इंक 42 पढ़ा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कोई ना कोई कंपनी का काम दिख जाएगा, ये कंपनी ये काम करती है, उस कंपनी को खोलो, उसकी वेबसाइट को खोलो, वेब ऐप को खोलो, उसमें कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो मतलब कंपनी के बारे में आर्टिकल पढ़ा, देखा फंडिंग वंडिंग हुई है, उसकी वेबसाइट को विजिट किया, देखा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कैन आई डू समथिंग इन इट, कैन आई डू समथिंग हेयर, और वो चीज़ लिखी। और मतलब डेव का काम हमेशा पता कब खत्म होगा, डेव का कोई भी प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, कि आपने शुरू यहाँ होगा, कंपनी देखी, वेबसाइट देखी, उसमें देखा इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, आपने प्रोजेक्ट बनाया अपनी समझ के हिसाब से, प्रोजेक्ट बनाया, उसका वीडियो बनाया और फाउंडर्स और बिजनेस लीडर्स को भेज दिया, फाउंडर्स एंड बिजनेस लीडर्स को भेज दिया कि मैंने आपके लिए ये लिखा है, बस हर प्रोजेक्ट यहाँ ख़त्म होगा, यहाँ ख़त्म होगा, ठीक है। तो फिर से बोलता हूँ, मेजरली हम क्या करेंगे, रोज़ अपना दिन डीएसए और डेव पे बीतेगा, डीएसए से दिन स्टार्ट करूँगा अपना, डीएसए से स्टार्ट करूँगा, 75 क्वेश्चन सोचें, ज़्यादा बन गए तो ज़्यादा बना लेंगे, तो एक मतलब ऐसा है दो तीन क्वेश्चन, जितने क्वेश्चनों में ऐसा लगे बढ़िया सा लग रहा है, चलो दिमाग अब चलने लगा है, नशा सा नहीं हो रहा, तो दो तीन सवाल करके फिर मेजरली दिन प्रोजेक्ट पे बीतेगा। तो जब ऐसा करते करते लेटर से अपने को 10 दिन हो गए, 10 दिन के अक्रॉस लेटर से एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, जो भी प्रोजेक्ट मैंने सोचा था वो एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, वीडियो बना ली, फाउंडर को भेज दी, एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो अब ब्रीदर लेके 2 दिन, 2-3 दिन, थोड़ा सा एलएलडी प्लस कोर में से, एलएलडी कोर के अंदर तो 5 चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीक्वल, सॉलिड, डिजाइन पैटर्न्स, केस स्टडीज, और एचएलडी के लिए क्या सोचा है, एचएलडी वाला भी दिखा देता हूँ, एचएलडी के लिए ना अपना दिमाग नहीं लगाना मैंने, एचएलडी के लिए क्या सोचा है, सीधा एजुकेटिव पर जाऊँगा और ये पाथ दे रखे हैं, ठीक है, ये डीप डाइव इनटू सिस्टम डिज़ाइन, ये 48 घंटे का पाथ है, 118 घंटे का पाथ है, 54 घंटे का पाथ है,
तो जो इन पाथ पे कर रखा है मुझे नहीं पता, मतलब क्या कर रखा क्या नहीं कर रखा, ये पाथ कर दूंगा, ये तीन पाथ कर दूंगा। मैंने सिस्टम डिजाइन का सर्च लगाया, मुझे यहाँ तीन पाथ दिखे, मैं तीनों पाथ कर डालूंगा ऐसे की तैसी। जो केस स्टडी मैंने देख लिया, वैसे मोटा मोटा देख लिया कि दिख गए मुझे मेजर मेजर नाम जो मुझे चाहिए थे, इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, बेसिक कंसेप्ट एंड थ्योरम, वो कैप थ्योरम, कैप थ्योरम दिख गई, तो ये पहला खत्म हुआ। आर्किटेक्चर ऑफ स्केलेबल एप्लीकेशंस दिख गया था मुझे, जो मुझे चाहिए था मतलब वो सब दिख गए थे, लोड बैलेंसर वगैरह दिख गए थे, तीनों को क्रॉस देखा था मैंने, मुझे दिख गए थे वो। तो हाँ, ये तरह तरह के फिर डेटाबेसेस आ जाएंगे, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कवर कर रखा है, सीक्वेंसर, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉनिटरिंग, डिस्ट्रीब्यूट कैशे, डिस्ट्रीब्यूट मैशिंग कैशे, मैसेजिंग क्यू, पब सब, रेट लिमिटर। सही है सही है सही है सही है सही है, ठीक है। तो इन तीनों में जो भी कर रखा हो वो करेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज द प्लान। टुमारो मॉर्निंग आई बिगिन DSA और डेव। डेव के अंदर अभी के लिए जो मेरे पास प्रोजेक्ट है, सबसे पहला तो ये स्क्रिप्ट जिससे मैं इसको क्रॉल कर सकूँ, एक प्रोजेक्ट जो एक्सटेंशन वाला चालू कर रखा है उसको अब कल मैं ज़रूर करूँगा, अब मैं उसको कल ज़रूर ही करूँगा। अगर वो तुम ड्रीम एंड बिल्ड पे नहीं देखा था तो जाके देख लो क्या एक्सटेंशन वाला प्रोजेक्ट है। सो दिस बिगिंस टुमारो, दिस एंड्स ऑन मार्च 31, 2024। तो 90 दिन मैं मानता हूँ इनको, 90 दिन है, 16 संडे हैं, और बाकी हम 7-8 दिन तो बंदा बीमारी पड़ जाता है, मतलब काम नहीं कर पाता, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। तो 90 दिन का प्लान है, 90 दिन के अक्रॉस। एंड इसमें ना मैं वो बताता हूँ, देखो कुछ जो प्रिंसिपल्स जो रहेंगे जो मैंने जानकर सोचे हैं कि मतलब प्लान लाइट, लाइट मतलब सिर्फ लीड कोड 75 ही सिलेक्ट करा है, ठीक है। HLD में भी सिर्फ ऊपर वाला एक पाथ हो गया तो बहुत, ठीक है। प्लान लाइट, हल्का प्लान अचीव हो गया तो थोड़ा सा सपना बढ़ा लेंगे, जैसे अगर वो लीड कोड 75 हो गया बढ़िया, अब उसको 150 वाला कर, इंटर उस अगले वाला इंटरव्यू 150 करेंगे, वो हो गया, वही ग्राफ वाला, DP वाला, बैन सर्च वाला पाथ कर लेंगे, ठीक है। वो हो गया तो कुछ और आगे देखेंगे। तो प्लान लाइट, हल्का प्लान, जितना छोटा प्लान होगा उतना ओवरवेलमिंग कम होगा। तो दिस इज़ वन। दूसरा, ज़्यादा आगे की सोचनी नहीं, सिर्फ जो काम करते हुए ऐसा करना है, प्लान द नेक्स्ट आर, कि मैं नेक्स्ट 1 आवर में प्रोडक्टिव कैसे रहूं, बस उस पे फोकस रखना है, इतना ही, ठीक है। HLD में भी जैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक ही पाथ होगा तो बहुत है, एजुकेटिव से एक पाथ हो जाए बहुत है, ठीक है। और डेव में थोड़ा सा बस वह है, डेव में मेरे को है कि क्रिएटिव रहना है, क्रिएटिव रहना है, जस्ट डू इट वाली, जल्दी से बस पीछे मत हटो, बैठो आगे बढ़ो, क्रिएटिव रहना है, क्रिएटिव रह के ही करना है। वो वैसे नहीं करना कि किसी पाथ से ये आ गया ये आ गया, डेव में वैसा नहीं करना, DSA में ऐसा करना है कि ये आ गया ये आ गया ये आ गया, कि हम DSA में उस तरह से तैयारी करें जिस तरह से इंटरव्यूअर हमसे चाहेगा, ये वाला सवाल करके दिखा। पर डेव वैसे नहीं कर रहे, डेव वैसे नहीं कर रहे कि तेरे को ये आता है क्या, ये आता है क्या, नहीं, मेरे को ये नहीं आता है, मैंने ये बनाया है बस। डेव के अंदर मैं मेजर ये चाहता हूँ, डेव में ये वाला विजन इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, यहीं तो सब फंसे हैं। डेव में एक बार गलत फंस गए हम लोग, DSA सब समझ में आ गया बच्चों को भी, हमको भी समझ में आ गया, बच्चों को समझ में आ गया कैसे पढ़ना है, DSA में समझ में आ गया, डेव में नहीं समझ में आया। जो अभी बच्चे हैं ना उस तरह से सोच रहे हैं कि ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा, इंटरव्यू ये सवाल देगा मैं उसका ये जवाब दूंगा, ये सवाल दूंगा, वो तरीका ही गलत है, वैसे नहीं करना अपने। मैंने ये बना लिया, मैं इतना सब बनाने की कुव्वत रखता हूँ, इसलिए मुझको हायर कर लो, ठीक है। जो मैं तुम्हारे डिज़ाइन विज़ाइन के सवालों के जवाब दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे DSA के सवालों के जवाब दे सकता हूँ, वहाँ मैं इंटरव्यू अप्रोच से जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं फाउंडर अप्रोच से जा रहा हूँ कि देखो मैं ये सब बना सकता हूँ, दैट इज़ वाई आई एम अ वर्दी इंडिविजुअल टू बी मे बी कंसिडर। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं इसे कल करूँगा, साथ साथ मैं वो ऑफकोर्स JEE की प्रेप अभी स्टार्ट नहीं करी है, पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर रखा है, तो उनको मैं 2 अलग चैनल्स पे कर रहा हूँ, ठीक है, उसको देखो। मतलब JEE प्रेप तो नहीं कर रहा हूँ अभी, पर कर दूंगा स्टार्ट, उसको भी स्टार्ट करूँगा। एक चीज़ होती है ना फिर बाकी सक्सेस बनने लगती है, हमेशा ऐसे ही होता है, पॉजिटिव मोमेंटम नेगेटिव मोमेंटम, एक जगह जीतने लगते हो सब चीज़ों में जीतने लगते हो। तो अभी मेरी पॉजिटिव मोमेंटम हैज़ बिन स्टार्टेड मेजरली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मैं इधर थोड़ा जीतने लगा तो अब मुझे लग रहा है कि मैं इधर जीत जाऊंगा। जैसे ये प्लान बन गया ना, पता नहीं संभव, मुझे लाइटर फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं जीतूंगा इधर, अब इसका पता नहीं। अच्छा, ये सब ना मैं एक डेली जर्नलिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं दिखाता हूँ क्या है। तो एक डेली जर्नलिंग कर रहा हूँ कि रोज़ मैं लिखूँगा अपनी प्रोग्रेस कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जैसे जो मेरा अपना चैनल है, ये एक चैनल रहता है ना ये वाला, ये एक चैनल है सुमित मलिक, सिर्फ सुमित मलिक नाम से ही है ऐसा, सुमित मलिक 1188 हैंडल है, @SumitMalik1188। तो इस चैनल के अंदर मैं वैसा कर रहा हूँ जर्नलिंग वाला काम, तो मैं यहाँ पर साथ आओ जर्नल करूँगा कि कल कैसा रहा, आज क्या करूँगा। तो ये सपना दिख गया है ना, तो इसकी प्रोग्रेस को जर्नल करूँगा कि मैं क्या कर पा रहा हूँ, कल मैंने क्या करा था, आज मुझे क्या करना चाहिए अच्छा दिन बिताने के लिए,
और फिर अगले दिन कि कल कैसा बिताया, क्या मैं अपने सपने की तरफ बढ़ा। सपना इतना सा है, 90 दिन के अक्रॉस तैयारी करनी है, ठीक है, पावर लिफ्टिंग चलती रहेगी और जेई कर पाऊँ तो सोने पे सुहागा। तो चलिए साथ, ठीक है। एक लास्ट बात और बोलूँगा तो ना, वो लास्ट बात पता क्या है कि यार कभी कभी पता क्या होता है, मतलब ये तुमको भी प्रॉब्लम आती है और मुझको भी आती है, सबको आती है प्रॉब्लम भी। तो देखो, लर्निंग के अंदर ना दो एस्पेक्ट होते हैं कि कई बार आप क्वेश्चन करना चाहिए आपको, कई बार आपको स्पंज बन के एब्जॉर्ब करना चाहिए जो सामने वाला कह रहा है। तो जैसे खासकर HLD वगैरह होगी, उसको पढ़ते हुए पता क्या होगा, आर्टिकल में हर लाइन पे सवाल आएगा, यार ये तो समझ में नहीं आया, यार ये तो समझ में नहीं आया। तो ना उस पर सवाल पूछने के बजाय जो ऑथर कह रहा है बस उसको एब्जॉर्ब करते जाऊंगा। पहली आइट्रेशन में 3 आइट्रेशन लगाएं, आइट्रेशन 1, ये फेनमैन टेक्निक होती है, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3। पहली आइट्रेशन में ना सवाल नहीं करना, ऑथर जो कह रहा है, सवाल करने से पता क्या होता है, ऑथर ने अपनी स्टोरी प्लान कर रखी है, आप ऑथर की स्टोरी नहीं सुन रहे। तो जैसे मैं भी ये होगा, HLD पढ़ूंगा, खास कर तब होगा कि मैं पूरा आर्टिकल पढ़ने से पहले तीसरी लाइन पर फंस जाऊंगा, यार ये नहीं समझ में आया, सर्च वर्च करने बैठ जाऊंगा। गलत, आइट्रेशन 1 में सिर्फ एब्जॉर्व करो, ऑथर ने प्लान कर रखा है अपना सारा, उसने प्लान कर रखा है, उससे मालूम है सवाल क्या आएगा, उसने उसके जवाब दे रखे हैं, पहले उसे कंज्यूम कर लो क्या कह रहा है। फिर आइट्रेशन 2 के अंदर, आइट्रेशन 2 लगाने से पहले आइट्रेशन 2 लगाओ, उसकी उसी कंटेंट की दोबारा लगाओ, लेकिन अब सवाल पैदा करते हुए लगाओ, यार इस सवाल का जवाब जवाब मत ढूंढो, आइडेंटिफाई गैप्स, ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया। पहली आइट्रेशन में एब्जॉर्ब, दूसरी आइट्रेशन में प्रोड्यूस क्वेश्चन, तीसरी आइट्रेशन में प्लग द गैप्स, सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। 3 आइट्रेशन हम कंटेंट मैं कंटेंट पे लगाऊंगा, तो सुबह डिक्लेयर कर दूंगा आज ये होने वाला है, तो देखना, तो ठीक है। ऑल राइट, तो ये तीनों ही जर्नी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो तैयारी करूँगा वो यहाँ पर और ड्रीम एंड बिल्ड पे है, जो डेव वाला काम है ड्रीम एंड बिल्ड पे, DSA वाला वेब कोडिंग के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं, किस तरह से कंटेंट है, DSA वाली कंटेंट जाएगा वेब कोडिंग के ऊपर, और डेव वाला कंटेंट ड्रीम एंड बिल्ड के ऊपर, ठीक है। JEE की जर्नी देखना चाहो भी कर नहीं रहा हूँ, देखना चाहो तो वो उसका एक अलग चैनल है। पावर लिफ्टिंग की जर्नी देखना चाहो तो इंस्टा पे दिख जाएगी मेरे, ठीक है। और ये सब पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो अपना चैनल है @SumeethMalik1188, वो वहाँ डालता रहूँगा। ऑलराइट, चलिए जी, मिलते हैं कल, बाय बाय।